नमस्कार, जेके टाइम्स में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं कमल चाड़क। कुछ दिन पहले हमने भद्रवाह की गाठा लेक के अंदर बने मंदिर की हालत आपको दिखाई थी, और आज आपको फिर से जो है गाठा लेक की हालत दिखाते हैं कि इस पूरे लेक की इस समय कंडीशन क्या है, इस पार्क की कंडीशन क्या है। और गेट पे ही इतना कूड़ा कचरा है, जहाँ से एंट्री पॉइंट है, जहाँ से यानी कि एक चार्ज लिया जाता है पार्क में एंटर होने के लिए, और पार्किंग का भी चार्ज लिया जाता है, उसमें वहाँ पे कितनी स्वच्छता है और उसके अंदर क्या है, देखिए खास रिपोर्ट। पार्क के कोने पे कहीं या दो जगह मेरे को यहाँ पे दिखी ये बोट जो हैं, ये ऐसी कंडीशन में दिखी हैं कि यहाँ पे देखिए इन बोट्स के अंदर जो है पानी भरा पड़ा है। और हालांकि अगर ये मेंटेनेंस इन बोर्ड्स की करनी है तो क्या इन बोर्ड्स की मेंटेनेंस नहीं की गई, क्या वजह क्या है कि इसको यहाँ पे साइड पे फेंका गया है। वहाँ पे देखिए जो पानी के अंदर बोर्ड्स तैर रही हैं उनको, और इसमें मैं समझता हूँ कि इसको भी पानी के अंदर होना चाहिए था। इसको मेंटेन करके इसकी अगर इसको ये ख़राब है तो इसको यहाँ पे रखने का क्या फंक्शन बनता है। और यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर पानी भरा पड़ा है, और इसके पीछे भी आप देखेंगे यहाँ पे और सारी और भी कई सारी बोट्स जो है इस जगह पे हैं, और इसकी हालत क्या है वो आपके सामने है। और आगे की और भी मैं आपको इस पार्क की कंडीशन बताता हूँ। आइए, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आपको दिखाए कि यहाँ पे हालात देखिए, गंदगी के ढेर लगे हैं जनाब। यहाँ पे प्लास्टिक ही प्लास्टिक्स, बोटल ही बोटल देख सकते हैं आप। ये है भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी और फिश पॉन्ड, यहाँ पे जो है ये भी देख सकते हैं आप। ये देखिए इस झाड़ियों में, इन झाड़ियों में ये वही किश्तियां हैं जो यहाँ पे पानी में तैरनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है टूटी हैं, क्या है इनको रिपेयर नहीं किया गया, लेकिन इनको फेंक दिया गया है। यहाँ देखिए इस साइड ये हालात हैं गाठा लेक के, भद्रवाह में बनी ये खूबसूरत सी लेक, उसके ये खूबसूरत से दृश्य BDA की तरफ से उन तमाम टूरिस्ट के लिए बनाए गए हैं जो यहाँ पर आके जो है पेड जो है आके पैसा दे के पार्क में आते हैं। चलिए और कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए मेरे सामने जो है ये यहाँ पे जो है पार्क में ये टूटा पड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पीछे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ का जो है एक थ्रेटनिंग है एक हिसाब से, कि कभी भी जो क्योंकि जंग लग चुके हैं इनको रखते हैं। और ये भी टूटा हुआ देखिए, ये है ये भी टूटा हुआ है, ठीक है। आइए मैं आगे दिखाता हूँ आपको, यहाँ भी ये देखिए ये चीज है, ये भी टूटा हुआ है। यहाँ पे गाठा पार्क जो है BDA की, जिसको फिश पॉन्ड के नाम से जाना जाता है, ये देखिए ये भी जनाब टूटा हुआ है, कोई सुध-बुध नहीं है। छोटे छोटे बच्चे देख ही रहे हैं आप, खेल रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता है कि इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। अब ये है, ये देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन क्या है, ये देखिए। अब इसको जो है एक शक्ल से ही देख रहे हैं, इसको टेम्परेरी तौर से जो है यहाँ पे बांधा गया है। और भी जो है यहाँ की जो कंडीशंस के लिए यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो यहाँ इस पार्क में आए हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सर सबसे पहले मुझे आप बताएं आपका क्या नाम है। जी मेरा नाम अकरम हुसैन है। अकरम जी, आपको इस पार्क को देख के क्या लगता है, आपको कितनी यहाँ पे डेवलपमेंट है, और BDA यानी कि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का कितना यहाँ पे रोल है, क्या काम किया गया है? देखो यहाँ पे तो फिलहाल अभी तक रिपेयरमेंट कुछ भी नहीं हुई है, जितना पहले लगा हुआ है यहाँ पे झूले वगैरह जो भी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लगाई गई हैं तो ये पहले की लगाई गई हैं, इनमें रिपेयरमेंट वगैरह कुछ नहीं हुई है। कि जब भी हम यहाँ पे आते हैं बच्चे वगैरह यहाँ खेलने आते हैं, बच्चों का यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों का खेलने की चीज़ें हैं, तो बच्चों को बहुत खतरा है यहाँ पे, किसी भी बच्चे को लग सकती है। जैसी यहाँ की आपने कंडीशन देखी यहाँ पे कैसी कंडीशन है, तो इस हिसाब से मतलब स्टार्टिंग से जब ये पहले नए लगाए गए हैं तब से आज तक यहाँ पे इसमें कोई रिपेयरमेंट वगैरह नहीं हुई है। अच्छा, तो हाँ जो है मैं आपसे जानना चाहूँगा, आगे भी थोड़ी सी बिल्डिंगें मैंने देखी हैं जो वो भी टूटी फूटी कुछ बिल्डिंग्स हैं, या यहाँ के हैं तो ये पीछे कचरे का ढेर है, ये जो पीछे यहाँ पे है इसके साथ में,
तो मतलब क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट को कि क्या काम करना चाहिए आपको या सिर्फ कुर्सियों पर बैठ के बातें करनी चाहिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह लोग आते हैं, बाहर से लोग देखने आते हैं, यहाँ की खूबसूरती को देखने आते हैं। अब वो यहाँ पे आके अगर ये ऐसी हालत देखेंगे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारा टूटा फूटा हुआ है, तो वो क्या सोचेंगे। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको जो है जल्द से जल्द जो है रिपेयरमेंट कराई जाए। यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं देखने यहाँ की खूबसूरती के लिए, तो इसलिए जो है यहाँ पे रिपेयरमेंट हो जाए इनकी, तो ताकि छोटे बच्चे जो है यहाँ पे खेल पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए पीछे अभी भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कहाँ इनकी लाइफ का जो है, आप खुद सोचिए कि अगर इसकी रिपेयरमेंट नहीं है, अगर जंग लगा हुआ है, देख सामने दिखाई दे रहा है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, तो क्या कर रही है बीडीए? वो आगे दिखाता हूँ मैं आपको और भी, इस पूरी पार्क की हकीकत क्या है, खूबसूरत है पार्क या इसको दूसरे एंगल से खूबसूरती में इसकी दिखाता हूँ। चलिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं फिश पॉन्ड में, यहाँ पे एक फाउंटेन है, ठीक है। ये फाउंटेन जनाब अली यहाँ पे लगाया तो है, लेकिन ये देख रहे हो आप कितना वर्किंग में है, देख रहे हो, ठीक है। और क्या कंडीशन है, यहाँ पे एक जो है टेंपल भी है, ये देख सकते हैं आप, इसकी कंडीशन भी ख़राब है, इसके शीशे टूटे हैं, विंडो टूटी है। अब यहाँ मेरे पीछे जो है एक जो यहाँ पे घूमने आए हैं टूरिस्ट, मैं उनसे ही बातचीत करूँगा। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप जो है भदरवाह में घूमे, कैसी जगह हैं भदरवाह की? भदरवाह की तो अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पे फिश पॉन्ड में जो ये क्या नाम है इसका फाउंटेन है, ये पहले चलता अब ये चलता नहीं है। मंदिर का है ये भी है, इसके शीशे थे ये भी टूटे हुए हैं, और ये अब ये टेम्पल है, और वहाँ की टिकटें हैं वो भी नहीं ली जा रही है। अच्छा, अच्छे दिखे से आपसे जानना चाहूँगा मतलब कि भदरवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप क्या कहेंगे इस पार्क में, जो इस पार्क का नाम है फिश पॉन्ड, तो आपको फिश पॉन्ड के फिश मिली आपको यहाँ? हमें एक फिश भी नहीं मिली है यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अयान सलारिया और हम उधमपुर से आए हैं, उधमपुर से आल सलन से। अयान जी, जैसे आपने क्लिप्स दिखाई मैंने आपको थोड़ी बहुत इस पार्क की, उसको देख के आपको क्या लगता है, क्या पार्क की कंडीशन क्या है? अब ये पार्क वो पार्क नहीं रहा जो ये पहले था, ये पार्क अब ऐसे पार्क बेकार सा हो गया, जो पहले पार्क था वो पार्क रहा ही नहीं है पार्क। और वहाँ के झूले वहाँ गए थे हम, वहाँ झूले भी टूटे हुए झूले मिले हैं वहाँ पे। अच्छा। उस वहाँ पे झूले हैं एक सारे झूले टूटे फूटे, बच्चे वहाँ पे हैं ऐसे बिखरे हुए झूले पड़े हुए मिले हैं, और बाहर भी गंद इतना पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो सुना आपने इनसे, आप दूसरे भाई साहब हैं, क्या नाम है? जामिल नसीर। जामिल जी आप कहाँ से हैं? मैं यही लोकल हैं आप, है ना। अच्छा मुझे आप बताएं आपने कितनी एंट्री फीस दी, पार्किंग भी दी होगी, टोटल मिला के कितना, एक पर्सन का कितना दिया होगा? एक पर्सन का 10 रुपये। 10 रुपये, और उसके पार्किंग का भी ये 10-20 रुपये ले लेते हैं, मतलब टोटल मिला के एक आदमी के 30-40 रुपये के आसपास बना है ना। 40 रुपये। तो अगर इतना पैसा ये ले रहे हैं तो आपको क्या लगता है इसी पार्क की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी? क्यों नहीं होनी चाहिए थी? अब इतना पैसा ले रहे हैं तो पार्क की डेवलपमेंट भी होनी चाहिए थी। आज से 5 साल पहले हम आते थे तब भी वैसा ही है, आज तो इसकी उससे भी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। हाँ अब तो इधर मन ही नहीं करता है, क्योंकि अब जो था वो देखा है। अब तो ये जो था ना, ये यहाँ पे ये था स्विमिंग पूल जैसा, अब इधर इतनी गंद है, यहाँ तो नहाने भी नहीं कोई आता है। अच्छा आपका क्या नाम है? मैं अबरान ताली भट्ट है। भट्ट साहब क्या सोचते हैं आपको, क्या आपको क्या लगता है इसकी हालात देख के आप क्या सोचते हैं? वैसे फिश पॉन्ड तो बहुत अच्छी जगह है, हम कहीं से आते हैं हम यही सोचते हैं कि हम फिश पॉन्ड जाएंगे, मगर जब हम देखते हैं यहाँ की हालत, बचपन से हमने देखा है ऐसा ही है, ये हम भी अब बोर हो गए हैं यही चीज़ देख देख के। मुझे लगता है कि इसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए इनको। बिल्कुल। और जो यहाँ पे इस अथॉरिटी है, जो जिसके अंडर ये आता है, तो उसको क्या मैसेज देंगे कि क्या आप सोए हैं अपनी कुर्सियों पर से, उठिए जागिए और ग्राउंड पर भी काम कीजिए, तो आप जो युवा हैं, और युवा क्या सोच रखता है? हम यही सोच रखते हैं कि बस इसकी डेवलपमेंट हो जाए, जो हम आपको फीस दे रहे हैं एंट्री फीस पार्किंग फीस, उसको कहीं लगाएं आप और इसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ करें, वो जो पैसा है वो सारा इसी में लगाएं। अच्छा आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं जनाब, इस बिल्डिंग के देखिए विंडो है, जैसे विंडो के बाहर से प्लाई लगा दी है, इसको आप मैसेज क्या देंगे, जो अथॉरिटीज़ हैं आप उनको कुछ मैसेज देंगे इस चीज़ के लिए? इस विंडोज़ के लिए इन विंडोज़ को लगाना तो पड़ेगा, ये विंडोज़ नहीं तो ऐसे ही रहेगी, विंडोज़ तो करना पड़ेगा कुछ। नहीं, विंडोज़ के बाहर से जो ये कलाकारी की गई है, इसको देख के आपको क्या लगता है? नहीं अब इससे यही लग रहा है कि ये जो पैसे इधर से ले रहे हैं वो ये इस पे लगा ही नहीं रहे हैं। हाँ
वो ये पैसे खुद को ही रख रहे हैं। इस पे रखेंगे उससे तो एक तो लोगों को फ़ायदा होगा और उनको खुद को भी फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे। अब कोई बाहर का टूरिस्ट आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या देखेंगे कि क्या हालत है इधर। अब इधर पैसा लगाएंगे तो ये उधर से अगली बार और आएंगे क्योंकि इतनी अच्छी जगह है यहाँ। और साथ में यहाँ पे इतने बंदे भी नहीं आ रहे हैं जितने पहले आते थे यहाँ, टूरिस्ट जितने आते वो भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे फिश पॉन्ड में। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो जेके टाइम्स के साथ आपने देखा ये क्या कह रहे हैं टूरिस्ट जो हैं, इनकी एक राय जो है वो भी रखनी ज़रूरी थी। और पीछे एक बार मैं फिर आपको बता दूं, ये फाउंटेन है जनाब और ये चलता है कभी कभी, जो जब इनका मन होता है तभी इसको चलता है या नहीं चलता है वो रबरों से। इसकी हालत देख रहे हैं आप जनाब, इसको यहाँ से सपोर्ट दी गई है कैमरामैन से, कहूँगा अंदर से दिखाने की कोशिश कर, देखिए कहाँ पर सपोर्ट दी गई है ताकि जो है ये गिरे ना, यानी कि टूटा हुआ है और इसके बाद इसको सपोर्ट दी गई। लेकिन अगर भाई चांस ये गिर गया, किसी के सर पे आ गया, किसी के ऊपर गिर गया, क्या हालत होगी। चलिए आगे दिखाता हूँ। काफ़ी दिनों से जो है मेरे पास जो है बातचीत में शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पे कुछ जो है कमियाँ हैं जिसको अभी तक देखा नहीं गया है बीडीए की तरफ से। और ख़ास तौर पर आज मैं यहाँ पर आया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ऑब्ज़र्व की यहाँ पर, कि जिनका जो है एक तो बिल्डिंग्स की जो है उसकी हालत खस्ता है, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। उनकी जो बाहर से फेंसिंग की गई बिल्डिंग थी विंडो के ऊपर, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। और मेरे पीछे जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे से एक बोट जो है जारी है, और इस बोट में जो है ये जो है पौंड के अंदर है। और आपको खुद ही समझ सकते हैं कि अगर गलती से कोई पानी में गिर गया तो इसकी लाइफ जैकेट या कहें तो वो जैकेट कहाँ है जिससे जो है बचाव हो सकता है कि पानी में ना कोई डूबे और कोई जो है उसकी वजह से जो है लाइफ बच सकती है। अगर खुद कोई गलती से नीचे चला गया पानी में तो क्या हाल हो सकता है, आप खुद ही सोचिए। और कितना डेंजर है ये इस समय आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है काफ़ी समय से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी लाइफ जैकेट जो है इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और ना ही जो लोग यहाँ पे इस बोट को चलाने की इजाज़त है जिनके पास परमिशन है ना, उनको जो है वो लाइफ जैकेट का इस्तेमाल यहाँ पे करने को देखने को मिल रहा है। और बाकी क्या अपडेट है यहाँ की, क्या कुछ जानकारी है पानी में, देखिए नाम है यहाँ का फ़िश पॉन्ड, बट यहाँ पे अभी तक शायद ही कोई फ़िश दिखाई देगी आपको, या जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे तो वो यही कहते हैं कि यहाँ पे अभी तक तो कोई भी फ़िश जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, खाली एक बतख जो है वो इस पानी में तैर रहा है। और गंदगी जितनी है इस पानी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गंदगी है, वो भी एक सवाल एक बनता है कि बीडीए आखिरकार कर क्या रहा है, बीडीए क्या कुछ सोच रहा है कि इतना अगर आप एंट्री फीस ले रहे हैं, पार्किंग फीस ले रहे हैं, तो और भी बीडीए के पास काफ़ी फंड्स हैं, तो यहाँ पे ये हालात क्यों हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डेवलपमेंट की अथॉरिटी कहें, लेकिन यहाँ पर अगर आप गाठा पार्क में आएँगे ना जनाब, फिश पॉन्ड गाठा में आएंगे तो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपको बोर्ड दिखेगा तो इस कंडीशन में दिखेगा कि खुद ही आदमी जो है हंसने पे मजबूर हो जाता है। किस अथॉरिटी का एंट्री गेट है ये मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा देखिए, ये है एंट्री गेट भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का। और एंट्री गेट पे आपको ये नोटिस बोर्ड दिखेगा और वो भी उल्टी शेप में, और इसमें क्या कुछ लिखा है यहाँ पे आप खुद समझिए, मेरे तो समझ से बाहर है। लेकिन यहाँ पे जो है आप देखिए कि क्या हालत है, कैमरामैन से कहूँगा बाहर आए, ये कंडीशन है यहाँ की। और मैंने जैसे आपको पहले ही दिखाया है कि यहाँ पर जिस तरीके से पार्किंग का पैसा लिया जाता है और एंट्री का पैसा लिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपके सामने। और ये देखिए इस साइड आइए, कैमरामैन से कहूँगा इस साइड दिखाने की कोशिश करें कि अगर आप इतना चार्ज ले रहे हैं तो कितना साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हैं आप, वो भी देखिए। ये देखिए आप जो है ये भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और यहाँ पर पूछने वाला इनको कोई नहीं है कि आखिरकार जनाब आप स्वच्छता का ध्यान जो है कितना रख पा रहे हैं। यहाँ पर इस काउंटर के साथ ही देखिए कितनी गंदगी है। पहली बात ये भाई साहब हैं यहाँ, मैं इनसे पहले बात की थी, अभी भी करना चाहूँगा, मैं इनसे जानना चाहूँगा भैया अगर आप थोड़ा आगे आके बोलें, क्या नाम है आपका? ओवेश। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कोई पूछता नहीं है कि साफ़ सफाई नहीं है या पीछे बिल्डिंग की इतनी खस्ता हालत है, मंदिर टूटा फूटा है, क्या कारण है?
पता नहीं सर, यहाँ पे पूछता है नहीं कोई। नहीं पूछता है ना? नहीं पूछता है। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि कितनी एंट्री फीस कितनी रखी है आपने और पार्किंग का कितना पैसा ले रहे हैं? 10 ही रुपये रखे हैं सर एंट्री पर। 10 रुपये पार्किंग का कितना चार्ज है? 20। 20 हाँ। 30 रुपीज़ तो पर डे के हिसाब से आपको कितना क्या लगता है कितने लोग आते होंगे? 400 से 500 के बीच में आते होंगे। कभी 200 या 300 के। मतलब आप भी एक युवा हैं, आप भी शायद भदरा से ही है ना? हाँ, भदरा से। आपको लगता है कि ये जो है साफ़ सफाई और ये जो खास तौर पे एक अंदर लाइटें टूटी फूटी हैं और पीछे जाओ आप तो बच्चों का भी टूटा फूटा सामान, इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए, मगर हो नहीं रही है ना? हो नहीं रही। चलिए शुक्रिया आपका, आपने जो बात। अच्छा एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके काउंटर के पीछे ही जो है एक जो भदरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का बोर्ड लगा है, वो बोर्ड उल्टा रखा है आपने, ये क्या कारण? सर ये बोर्ड जो है इस साइड नया लगा हुआ है गेट पे। अच्छा। गेट पे लगा, उसको फिर साइड पे रखा गया, वो टूट गया था तो उसके यहाँ पे रखा गया है, दूसरा बोर्ड लगाया गया। चलिए ठीक है जो आपने। और हमारी कोशिश यही रहती है कि असलियत दिखाई जाए बीडीए की, बीडीए की असलियत, इसलिए क्योंकि पैसा जो है अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि 10 रुपये एंट्री है और 20 रुपये पार्किंग का ले रहे हैं, 30 रुपये पर पर्सन अगर 500 आदमी दिन का आता है तो सोचिए कितना पैसा। ये देखिए सुनिए आप जो है यहाँ पे भाई साहब आए हैं, भाई साहब कितना पैसा दिया पार्किंग का? 50 50 50 50 रुपये। हाँ जी हाँ जी देखिए। अलग कौन सी गाड़ी है? टेम्पो है ना? हाँ टेम्पो है, गाड़ी गाड़ी होती ना। हाँ। आप देखिए जैसे कि 50 रुपये भी पार्किंग का, खुद सोचिए और अंदर की हालत देखेंगे आप, मैं तो हैरान हूँ कि एक मंदिर टूटा हुआ है अंदर, उसकी शीशे टूटे हुए हैं, उसकी साथ में जो है वो खिड़कियां हैं वो भी टूटी फूटी हैं, और ये हैरानगी की बात है कि बीडीए ने इतना पैसा अगर ले रही है तो कर क्या रही है। और मेरे को लगता है कुछ ये भाई साहब जो हैं ये भी बातचीत करने की कोशिश में हैं और कुछ बातचीत करना चाहते हैं, चलिए जानते हैं इनसे। अगर आप बाहर ही आ जाएं तो यहीं कर लेते हैं बात। सर यहाँ जो है ना ये लोकल पार्क है, इसमें तो ऐसा एंट्री नहीं होना चाहिए, लेकिन जो गाड़ी का ले रहे हैं 50 रुपये ले रहे हैं और पर कैंडिडेट का जो है 10 रुपये ले रहे हैं। अच्छा तो वैसे यहाँ जो लोकल है वहाँ नहीं लेना चाहिए, लेकिन चलो अब ले रहे हैं तो इतना नहीं फीस होनी चाहिए यहाँ तो। नहीं, अगर फीस लेते भी हैं तो फिर अच्छी तरीके से पार्क का डेवलपमेंट हो। वहाँ तो कुछ फैसिलिटीज वैसे है नहीं है जितना ये पार्किंग ले रहे हैं। अब देखिए ना जैसे मंदिर है अंदर, उसकी भी टूटे फूटे, अगर आप विंडो नहीं एक ठीक करवा सकते हैं तो क्या करेंगे? तो वहाँ कुछ भी नहीं है फैसिलिटीज, बैठने के लिए नहीं है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं वहाँ कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो पार्किंग का पैसा ज़ाया कर रहे हैं कुछ नहीं। तो सुना आपने जो है लोग क्या कह रहे हैं, और जो है हमने भी यहाँ कवर करने की कोशिश की। अब इस स्टोरी के बाद अगर कोई प्रशासन संज्ञान ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेगा तो जनता आप खुद ही फैसला लीजिए कि इस अथॉरिटी का और हर एक टूरिस्ट स्पॉट का जो है मैं आपको जायजा दिखा रहा हूँ, कवरेज दिखा रहा हूँ क्या कुछ कंडीशन है। बने रहिए जगह टाइम्स के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।